मैथ के बेसिक में चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। मैथ के बेसिक में चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, 6000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से याद करना है। चलिए हम लोग सबसे पहले सूत्र देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, मूलधन 1+ एक बटा 100, 10+1/100 एन -1। अब हम लोग को ये देखना है क्या है, हम लोग का सूत्र ये आप लोग को समझना है, क्या है सूत्र आप लोग को ये समझना है। क्या वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, उतार बट्टा यहाँ पे एक होना चाहिए, ये हम लोग का सूत्र होना है। मूलधन बराबर हो जाएगा इंटू में 1+10/100 के पावर एन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए एन मत लिखिए, इसको आप लोग समय लिख लीजिए, इसको समय लिख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये समय हो गया, ये दर हो गया, ये मूलधन हो गया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में मूलधन कितना है, मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपया, मूलधन बराबर कितना रुपया हो गया 600 रुपया, वर्ष कितना हो जाएगा 3 वर्ष का समय आप कर दीजिए, कितना वर्ष समय हो जाएगा 3 वर्ष, दर कितना हो जाएगा, दर हो जाएगा 10%, दर कितना प्रतिशत हो जाएगा 10%, तो प्रतिशत लिखने से कुछ ना आ जाए 10,000 लिख दीजिए। अब हम लोग का जो सूत्र है उसमें आप बैठा दीजिए, मूलधन कितना है 6000, 1-+ दर कितना है 10/100, समय कितना है 3 वर्ष -1, 6000 10 कर दो, 1+1/10^3 -1, 6000। अब इसको हम लोग बाटा को जोड़ निकालेंगे, निकाल लीजिए 10 आए का लगभग कितना हो जाएगा 10+1/3 -1, 6000 11/10^3 -1/1, 6000 इसको करिएगा 11 अगर गिन कीजिएगा तो 11 इसको गुणा कीजिएगा तो 1331 हो जाएगा, 1331/1000 -1/1, 6000 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000। ये दोनों में क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम निकाल दिए, 1000 हो गया लघुत्तम, 1000 के पारण 1000 बार, तो यहाँ पर 1300 कितना हो जाएगा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 6000 पूरा हो जाएगा, घटाइए 1300 कितना 1000, सॉरी 1331 में से घटाएंगे 1000, यहाँ पे 1331 में से कितना घटाएंगे 1000, घटाइए 1, 3, 3 यह कैंसिल, 331/1000, 3 0 से 3 0, 6 × 3 = 31, 6 × 1 = 6 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 18 × 1 = 19 हो जाएगा। यह हम लोग का चतुर्विधि ब्याज कितना हो गया, 6000 का
तीन वर्ष के लिए है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 1986 रुपया, कितना हो गया 1986 रुपया, कितना हो गया 1986 रुपया हो गया। कितना साल का? मात्र 3 साल का। कितना साल का? मात्र 3 साल का। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए आप लोग देख लीजिए आगे। ₹4,000 के लिए 2 वर्ष का 5%, ₹4,000 के लिए 2 वर्ष का 5%। आइए हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है? सूत्र होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, ठीक है ना? आप ध्यान रखिए, आप सूत्र होता है मूलधन इंटू 1+10/100 के पावर हो जाएगा होल पर समय माइनस हो जाएगा 1। ये सूत्र होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, मूलधन बराबर 4000, समय बराबर 2 वर्ष, दर बराबर 5%। दर कितना प्रतिशत है? 5%। दर कितना प्रतिशत है? 5%। आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, मूलधन कितना है 4000, दर कितना है 5%, आगे कितना है, समय है 2 वर्ष। आइए सूत्र क्या होता है मूलधन बराबर, रखिए मूलधन बराबर, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र ये होता है। अब डाल दीजिए, मूलधन कितना है 4000, 1 माइनस या प्लस, दर कितना है 5/5/5 कितना है 5/5 वहाँ पर क्या है पावर में कितना है समय कितना वर्ष है 2 वर्ष, माइनस एक 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4000, यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे 105/2 में जोड़ निकाल दीजिए, इसको निकालिएगा तो यह कितना हो जाएगा 5×5, अब 20/5 कितना हो जाएगा 100, 1/1+1/20 के पावर 2 -1/1, यहाँ पर हो जाएगा 4000 इंटू, इसको निकालिएगा 20+1 के पावर 2 -1/1, 4000 इंटू 21/20 के पावर 2 -1/1, 4000 यहाँ पर कितना हो जाएगा 441/ कितना हो जाएगा 400 -1/1। अब हमको करना पड़ेगा 4000 दोनों को बट्टा बदल जोड़ निकालेंगे, 400 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 441 - 400, 400 यहाँ घटाइएगा तो 41/1 कितना हो जाएगा 400, 20/20 कितना हो जाएगा 400। अब हम लोग कर देंगे 4000 × 41/400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे इसको कटाएंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 में हम लोग गुणा करेंगे कितना 441, यहाँ पर हो जाएगा 410, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 400
₹400 का 2 वर्ष के लिए 5% के दर से कितना हो गया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो जाएगा ₹410। कितना हो जाएगा ₹410। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।